हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और एक CSI ने बहुत बड़ी न्यूज़ निकाली है। आई थिंक उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जिन्होंने जून 2019 वाला एग्ज़ाम दिया था, जून 2019 वाला एग्ज़ाम दिया था। मैं 20 की बात नहीं कर रही हूँ, ना दिसंबर 2019 की बात कर रही हूँ, नहीं, जून 2019 की बात कर रही हूँ। तो जिन बच्चों ने भी उसका पेपर दिया था, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि जो बच्चे मार्जिन पे थे, यू नो, एक एक क्वेश्चन का जो डिफरेंस था, आई थिंक वो क्लियर होने में बहुत हेल्प मिली है। तो जिन बच्चों का भी क्वेश्चन सही होगा, उसको आंसर कि बेसिस पे तुम्हें क्या मिले हैं, मार्क्स मिले हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में। आपको क्या करना है, आपको मेन साइट पे जाना है CSI की। जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे, ये होम, अथॉरिटीज, एक्टिविटीज, इवेंट्स हो गया। आप नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट आएगा, न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा सीधा सीधा ये जो एडिशनल रिजल्ट इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट ऑफ जॉइंट CSI UGC टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप ऑफ जून 2019। तो ये 2019 का है, तो देखते हैं एडिशनल रिजल्ट में क्या आया हुआ है। देखो, ये जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर कोई भी बच्चा जून 2019 का एग्ज़ाम दे के आया था और उसके मार्क्स जो बैठ रहे थे 98 या फिर 100 बैठ रहे थे या फिर 110 112 बैठ रहे थे, तो वो JRP क्लियर कर सकता है, अब नेट भी क्लियर कर सकता है। क्योंकि जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आई थिंक पार्ट सी का जो क्वेश्चन है, जहाँ पे तुम्हें 4 मार्क्स मिल सकते हैं, तुम देख रहे हो 4 मार्क्स तुम्हें मिल सकते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हारा एलिजिबिलिटी सॉरी ये जो एग्ज़ाम है वो तुम्हारा क्वालिफाइड भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या एडिशनल चेंजेस करे हैं, उन्होंने एडिशनल चेंजेस करे हैं। सो द रिजल्ट ऑफ द जॉइंट CSI UGC टेस्ट फॉर द रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप ऑफ जून 2019 वॉज डिक्लेयर्ड इन। तो जो रिजल्ट था वो तुम्हारा डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका था 9/8/2019 को। तो जिन बच्चों का भी क्वालिफाइड था वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो खुश ही खुश रहो। द कॉन्सिक्वेंट अपॉन रिव्यू ऑफ द की द क्वेश्चन नंबर 71, अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 71 दैट इज बुकलेट ए कोड का, ठीक है, जो जिसके पास बुकलेट ए कोड आया हुआ था और उसका 71 क्वेश्चन अगर उन्होंने करा है, और जो बुकलेट बी थी उनका 75 क्वेश्चन नंबर, और जो बुकलेट सी थी उसका तुम्हारा 78 क्वेश्चन नंबर। तो मतलब क्वेश्चन एक ही होगा, लेकिन 71 अगर तुम्हारा पहले ही बुकलेट है, बी वाली है तो 75 और सी वाली है तो 78। ठीक है, लाइफ साइंसेस की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ साइंसेस की बात कर रही हूँ। नाउ उन्होंने क्या करा है, इस ऑप्शन वन को, जो इसमें ऑप्शन वन था, जिन बच्चों ने कुछ और ऑप्शंस लगाए हुए थे और उन्होंने ऑप्शन वन भी लगाया हुआ था, किन्हीं किन्हीं बच्चों ने डी वगैरह लगाया था उसका भी सही हुआ है, लेकिन जो वन ऑप्शन जिन्होंने लगाया था उसको भी करेक्ट माना गया है। तो जिन जिन बच्चों ने जून 2019 में 71 क्वेश्चन बुकलेट कोड ए एंड द 75 क्वेश्चन फ्रॉम द बुकलेट कोड बी, 78 क्वेश्चन फ्रॉम द बुकलेट कोड सी, अगर आपने ऑप्शन वन को लगाया था तो आपको वो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको करेक्ट माना गया है। अगर ये करेक्ट माना गया है मतलब तुम्हें मिल गए हैं सीधे सीधे तुम्हारे मार्क्स। नाउ कैंडिडेट्स हु हैड चूजन ऑप्शन वन, जिन कैंडिडेट्स ने उस ऑप्शन वन को चूज करा है उस पे तुम लोग मार्क करके आए हो, तो उनको हैव बीन अवॉर्डेड मार्क्स, तुम्हें मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर मार्क्स दिए जा रहे हैं मतलब अगर कोई बच्चा बिल्कुल मार्जिन पे था तो वो तो पहुंच गया, क्वालिफाइड हो गया। तो एक बार जाके अपना रिजल्ट चेक करो कि तुम्हारा जो दोबारा से रिवाइज्ड रिजल्ट आया है क्या उसमें तुम्हारा नंबर आया है नहीं आया है। अगर तुम मार्जिन पे थे तो तुम्हारे पूरे पूरे चांसेस हैं, अगर तुमने इस क्वेश्चन को सही किया है तो। Now, accordingly, the additional candidates in the life sciences in of the subject for the CSIR JRF and the lecturership category now declared qualified as per NXER. मतलब क्या हुआ, जो पहले ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो क्वालिफाइड ही माने जाएंगे, उनके ना कम बढ़े हैं ना ज़्यादा बढ़े हैं, अगर ज़्यादा बढ़े तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जिन बच्चों का, जो बच्चे बिल्कुल मार्जिन पे थे, जिनका एक क्वेश्चन की वजह से क्वालिफिकेशन रुक गई थी, क्वालिफाइड होने से रुक गए थे, वो क्या कर सकते हैं, इसको क्वालिफाइड कर सकते हैं, जाके अपना रिजल्ट चेक करो एक बार बेटा। आई थिंक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिन बच्चों के लिए, 2019 वाला जिन्होंने दिया था। तो तुम्हारा लॉकडाउन जितना भी था, जो तुम्हारा इतना वर्स्ट टाइम था चल रहा था, वो सारा वर्थ इट हो जाएगा। एक बार जाके चेक करो अपना रिजल्ट, अगर तुम बिल्कुल मार्जिन पे थे, तुम्हारा अच्छे से पॉजिटिव हो, भगवान करे, तो जाके एक बार चेक करो। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एज पर द रेटेड, इनका कोई चेंज नहीं आया है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जो बेचारे जो भी बच्चे उनका एक एक मार्क से रुक रहा था, लेकिन उनका क्या कर दिया है, इस CSI UGC ने उस एरर को रेक्टिफाई कर लिया है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन।
तो आप एक बार जाके अपना रिजल्ट चेक करो, आई होप आपका भी रहा होगा, आपका क्वालिफाइड हो गया होगा। एंड सीएसए ने बहुत अच्छा नोटिस निकाला है, तो आप जाके एक बार चेक करो अपना रिजल्ट, और आई होप पॉजिटिव रहा होगा आपका। तो आपको क्या करना है, सीएसआई की साइट पे जाना है, जाने के बाद एक एडिशनल न्यूज़ जो दे रखी है वहाँ पे जाना है, जाने के बाद आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो आप अपना जाके रोल नंबर वगैरह डालें और चेक करें वहाँ पे जाके, एक अच्छी सी न्यूज़ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कि आई होप तुम लोगों का क्लियर हो, और जिसका भी क्लियर हो प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो, बिकॉज मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों का भी क्लियर होगा। तो थैंक यू एवरीवन।